रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजय, सारिका, राहुल और खुशी चारों बेस्ट फ्रेंड थे। चारों स्कूल के 12th क्लास में थे और एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। एक दिन अजय, सारिका और राहुल तीनों अपनी अपनी साइकिल लेकर खुशी के घर से आगे खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि मुझे ऐसे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम सब रोज मुझे इस छिपकली के घर के आगे खड़ा कर देते हो। मैडम को तैयार होने में इतना टाइम लगता है कि जैसे किसी स्कूल नहीं बल्कि फैशन शो में जा रही हो, और ये हो उस फैशन शो की मॉडल। यार अजय, तू तो खुशी से इतना चिढ़ता क्यों है? हम चारों बचपन की दोस्त हैं और लेट करने की आदत उसकी कोई नई तो है नहीं, जो तू इतना आग बगुला हो रहा है। वैसे भी वो तैयार होने में टाइम नहीं लगाती, बल्कि अपने छोटे भाई के चक्कर में हमेशा देरी से आती है। सारिका सही कह रही है, तू बेवजह गुस्सा कर रहा है, ठंड रखना भाई। एक बात बता भाई, इतनी धूप में ठंड कैसे रखूं? ऊपर से ये स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं वो अलग से। अजय अपने दोस्त के साथ खड़ा बड़बड़ा रहा होता है, तभी खुशी अपनी साइकिल लेकर वहाँ आती है और सभी से देर से आने के लिए माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी यार, मेरी वजह से आज फिर तुम लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो कल से टाइम से तैयार होकर आना ना मैडम, हमारे आने से पहले घर के बाहर खड़ी मिला करो। अब जल्दी चलो, देर हो रही है स्कूल के लिए। बस कर यार, बोल तो ऐसे रहा है जैसे क्लास सारी की सारी लेता है तू। जैसे तू तो बड़ा सारी क्लासे अटेंड करता है। अच्छा, अब तुम लोग लड़ना बंद करो, अब देर नहीं हो रही स्कूल के लिए। सारिका की बात सुनकर सभी अपनी अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सभी स्कूल पहुंचते हैं और जैसे ही क्लासरूम के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी क्लास टीचर मंजू उन्हें रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम चारों? आज फिर लेट हो गए, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? मैम, हम क्लासरूम जा रहे हैं, सॉरी वो हम जाम में फंस गए थे इसलिए लेट हो गए। हाँ मैम, तुम लोग डांट सुनते सुनते इतने बेशरम हो गए हो कि अब झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में कोई जाम नहीं लगता है, शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि मैं भी वहीं से आती हूँ, और अगर जाम लग भी गया तो तुम कौन सा फोर व्हीलर से आ रहे थे जो जाम से निकल नहीं सकते? साइकिल से तो तुम किसी गली से भी निकल सकते हो ना, लेकिन नहीं, स्कूल आने की नियत होनी चाहिए ना। आप सही कह रही हैं मैम, आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, बस इस बार माफ कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ मैम, प्लीज, आज लास्ट टाइम। चारों को लेट आने पर माफी मांगते देखकर मंजू उन्हें माफ कर देती है और उन्हें क्लास के अंदर जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद चारों क्लास के अंदर जाकर आराम से बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उनका थर्ड क्लास संस्कृत की होती है, जिसकी बेल बजते ही चारों क्लास से भागने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी संस्कृत टीचर रेखा वहां आ जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम चारों अपनी क्लास बंक करके? तुम चारों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, पहले स्कूल देर से आते हो फिर क्लास बंक करते हो, एग्जाम में लिखोगे क्या तुम सब? मैम, मैं तो बाथरूम जा रहा था, अभी बस थोड़ी देर में आता हूँ। और तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? मैम, वो हमें ना क्लास टीचर ने ना रूम में बुलाया है, हम उन्हीं के पास जा रहे थे। जी मैम, राहुल ठीक कह रहा है। ठीक है, जल्दी से अपना काम खत्म करके आओ, क्लास शुरू होने वाली है। चारों के चारों बहाने मारकर अपने स्कूल से सबसे बोरिंग लेक्चर से बचकर निकल जाते हैं। समय बीतता है और वो आए दिन अपने स्कूल के बोरिंग लेक्चर से भाग जाया करते थे, फिर चाहे वो लेक्चर संस्कृत का हो, होम साइंस का हो या हिंदी का हो। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, तभी एक दिन चारों अपना बोरिंग लेक्चर बंक करके कैंटीन में बैठे आपस में बात कर रहे थे। यार, हम रोज अपनी क्लास के बोरिंग लेक्चर मिस तो कर देते हैं, लेकिन अगर कभी टीचर ने जाकर हमारी क्लास टीचर से शिकायत कर दी तो बात सीधा प्रिंसिपल तक जाएगी, और उसके बाद हमारे माँ बाप के पास मंजू शर्मा हमें नहीं छोड़ेगी। बात तो अजय बिल्कुल सही कह रहा है, मंजू मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता लगा तो पक्का नहीं छोड़ेंगी, वो सीधे हमारे घर वालों को ही फोन करके सब बता देंगी। हाँ यार, हम लोग क्या करें, हमसे ये बोरिंग लेक्चर अटेंड नहीं होता, हम लोग पागल होने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि टीचर खुद ही अपनी क्लास से हमें बाहर कर दे,
तब अगर कोई हमसे पूछेगा तो बोल देंगे टीचर ने हमें बाहर निकाल दिया। ये आइडिया मस्त है, कल से यही करेंगे। वैसे भी ये लास्ट क्लास थी, चलो घर चलते हैं। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होने पर चारों अपनी अपनी साइकिल उठाकर घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन चारों समय से स्कूल पहुंच जाते हैं। ये देखकर उनकी क्लास टीचर मंजू बहुत खुश होती है और उनकी तारीफ भी करती है। इसके बाद सभी क्लास में जाकर अपने बाकी के लेक्चर अटेंड करते हैं और जैसे ही संस्कृत के लेक्चर का समय होता है और रेखा क्लास में एंट्री करती है तो सभी बच्चे उसे मॉर्निंग विश करने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिवाय उन चारों दोस्त के। चारों आराम से आपस में बात करने लगते हैं। तभी रेखा उनके पास जाकर कहती है, तुम चारों बात करने में इतने मस्त हो गए कि तुम्हें क्लास के अंदर आई टीचर भी दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है ना मैम कि आपके सारे लेक्चर इतने बोरिंग होते हैं कि हमारा सर दर्द होने लगता है, तो हमने सोचा आपके आने से पहले बात करके अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं ताकि आपके बोरिंग लेक्चर भी तो झेल सकें। तुम्हें टीचर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अभी के अभी निकलो मेरी क्लास से तुम चारों। यही तो हम चाहते थे कि मैम हमें क्लास से बाहर निकाल दे। कुछ देर बाद चारों अपने स्कूल के बोरिंग लेक्चर को छोड़कर आराम से स्कूल के कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं और आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर मंजू वहाँ आती है और उनसे कहती है, तुम चारों सुधरने वाले नहीं हो ना, पहले स्कूल देर से आते थे, उसे छोड़ा तो अब लेक्चर बंक करना शुरू कर दिया। तुम चारों नहीं पढ़ना चाहते हो तो अपने माँ बाप को मना क्यों नहीं कर देते, क्यों उनके पैसों में आग लगा रहे हो। मैम हमने कुछ नहीं किया, मैम ने ही हमें क्लास से बाहर निकाला है। हाँ मैम। मैम पागल है ना, जो बिना बात के तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगी। क्या किया था तुम चारों ने ये बताओ मुझे। कुछ नहीं मैम, हमने बस इतना ही कहा था कि मैम आपके लेक्चर बहुत बोरिंग होते हैं, कोई दूसरा तरीका ढूंढिए पढ़ाने का, आप जो पढ़ा रही हैं वो तरीका हमें समझ में नहीं आता। अजय की बात सुनकर मंजू चारों को लेकर रेखा की क्लास में जाती है और उनसे बात करके चारों को क्लास में एंट्री दिलवाती है। समय बीतता है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि उनके बोरिंग लेक्चर की टीचर उन्हें खुद ही क्लास से बाहर कर देती थी। देखते ही देखते उनके फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। वहाँ एक तरफ एग्जाम हॉल में बैठे सभी बच्चे अपने पेपर लिख रहे होते हैं, वहीं वो चारों अपनी क्लास बंक करने के चक्कर में एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। जैसे तैसे करके चारों अपने सारे एग्जाम दे देते हैं और रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उनका रिजल्ट आता है जिनमें वो चारों फेल हो चुके थे और उनके घर वाले उन्हें बहुत सुना रहे होते हैं। तभी मंजू वहाँ आती है और कहती है, तुम चारों की छोटी सी लापरवाही के चक्कर में तुम सबका पूरा एक साल खराब हो गया। मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। बहुत शौक था ना तुम्हें अपने स्कूल के बोरिंग लेक्चर को बंक करने का, अब एक साल और बर्दाश्त करो अपने स्कूल के इन बोरिंग लेक्चरों को, वो भी अपने जूनियर के साथ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।